तो फिर से देश की जनता, गरीब जनता, मजदूर जनता को फिर से धोखा दे दिया मोदी ने। आज एक भी काम इस देश की गरीब जनता के प्रति मोदी ने आज तक नहीं किया। आप लोग स्वयं फैसला करें कि ये प्रधानमंत्री सच्चा है या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में कहा था वो सच बोल रहे थे, या ये प्रधानमंत्री सच बोल रहा है, इसका डिसीजन आप स्वयं करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मोदी सरकार ने फिर से, आज 12 तारीख है और 12 तारीख को फिर से देश की जनता, गरीब जनता, मजदूर जनता को फिर से धोखा दे दिया मोदी ने आज। क्योंकि फिर से जो आज दिल्ली में जो आज से ट्रेनें चल रही हैं 15 शहरों के लिए, वो सारी की सारी वीआईपी ट्रेनें हैं। वीआईपी मतलब एयर कंडीशन, जो एसी ट्रेन है वो चालू की जा रही है। तो एसी में मजदूर आदमी 4,000-5,000 रुपए का किराया नहीं देके जा सकते हैं। तो सोच लीजिए, मोदी का कोई भी कदम, एक भी कदम गरीब मजदूरों के लिए नहीं उठाया जाता है। अभी तक का आप उसका इतिहास देख लीजिए, बहुत सारी बातें वो गरीब मजदूरों के लिए करते हैं, और सत्ता में भी जो आए हैं वो सिर्फ गरीब मजदूरों के ही लिए, मतलब वादा करके आए हैं। लेकिन एक भी काम इस देश की गरीब जनता के प्रति मोदी ने आज तक नहीं किया। वरना सोचने की बात यह है कि सिर्फ 2 टाइम का खाना मांगा इस देश की जनता ने, जो गरीब मजदूर बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वो एक भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करते यदि उनको 2 टाइम का राशन सरकार उपलब्ध कराती। और यही मोदी सरकार है, यही नरेंद्र मोदी है, जिसने कहा कि हमारे पास पूरा पर्याप्त भंडार है अनाज का, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है, अरे आपका घर भरा हुआ है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन गरीब मजदूरों के लिए जब 2 टाइम का आप अनाज नहीं मुहैया करा सकते तो कोई फायदा नहीं है। भले आप कुछ भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। अब मैं कुछ आप लोग को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान दिखाता हूं, साथ में नरेंद्र मोदी जी का एक बयान दिखाता हूं। आप लोग स्वयं फैसला करें कि ये प्रधानमंत्री सच्चा है या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में कहा था वो सच बोल रहे थे, या ये प्रधानमंत्री सच बोल रहा है, इसका डिसीजन आप स्वयं करेंगे। बस एक सेकंड। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने। उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार को दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों, क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब देते हैं? 50 साल में हमने प्रगति की है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों
घोषणा करने के लिए लाइक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेरते हैं। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा, ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। अब आप लोग स्वयं फैसला करें कि श्री नरेंद्र मोदी जी सच बोल रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, वो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था। झूठ तो दोनों में से एक कोई बोल ही रहा है। फैसला आपको करना है कि कौन झूठा कौन सच्चा है। दूसरी चीज, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं तो इन्हें सत्ता में बने रहने का एक मिनट भी कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये देश की गरीब जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा मजाक, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपका विरोध तो होगा और हम लोग करते रहेंगे विरोध, आपकी गलत नीतियों का विरोध हम लोग करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में आपके डर से कोई नेता बोलेगा नहीं। जो डरता होगा वो डरता होगा, धनेश्वर महतो नहीं डरता, क्योंकि धनेश्वर महतो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है जो मेरी जुबान चुप रहेगी। काला धन नहीं है, कोई फैमिली के लिए धन इकट्ठा नहीं किया धनेश्वर महतो ने, जो इसकी तो मेरी जुबान आप बंद नहीं कर सकते। श्री नरेंद्र मोदी जी, विकास हुआ है ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और आप बोलते हो कि 70 साल में किसी ने विकास किया नहीं, सबने देश को लूट के खाया। तो 70 साल में तो 6 साल आपके भी प्रधानमंत्री होते हो, तो मतलब स्वयं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि मैंने इस देश को लूट के खाया है। ये नरेंद्र मोदी का बयान है। 70 साल में उसकी भी सत्ता आती है, और मेरे ख्याल से पिछले जो 70 साल में ये देश विकास किया उसका सर्वनाश करने का यदि किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। पूरी अर्थव्यवस्था सारी की सारी चौपट कर दी। आप इतना सोचो ना, जिस दिन लॉकडाउन किया, अगर ये चाहते तो एक एक नागरिक वो अपने अपने घर को सुरक्षित पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। आज इस देश की दशा ऐसी कर दी है कि हम इस महामारी से भी यदि अभी महीना दो महीना में उभर जाते हैं तो गरीब मजदूर सालों भर, कम से कम सालों भर वो सोचेंगे कि मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि ये मोदी सरकार कब ऐसा कौन सा डिसीजन ले लेगा कि कब हमको ये भूखों मार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे कहावत है, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, और ये खिलौना नहीं है देश। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है नरेंद्र मोदी जी, और 135 करोड़ जनता की जान के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके रोजगार के साथ, उनकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा इसी पृथ्वी लोक पे, इसी देश में, क्योंकि ये गरीब मजदूरों की हाय से बड़े से बड़ा भी व्यक्ति बच नहीं पाया है, और नरेंद्र मोदी को इस देश की माता बहनों की हाय है, इस देश में गरीब जनता की हाय है, और ये हाय नरेंद्र मोदी को लग के रहेगी, अमित शाह को लग के रहेगी, और बिहार के मुख्यमंत्री को भी लग के रहेगी। जो भी गरीबों को सताता है ईश्वर भी उसको माफ कभी नहीं करता है। पैदल चल के आ रहे हैं 2,000 किलोमीटर। आज कल ही की बात है, फिर से एक बिहार का आदमी
लखनऊ में अपनी फैमिली के साथ साइकिल से ही आ रहा था और वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हो, दूसरा कोई नहीं है। 16 आदमी रेल से कट के मर गए, उसका हत्यारा नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। जित 6-6 महीने की पेट के अंदर बच्चा लिए हुए और वो महिला सैकड़ों किलो पैदल चल जा रही है और उसकी बच्चे की हत्या अंदर यदि होती है तो उसका जिम्मेदार एक भारत का कंस नरेंद्र मोदी है, क्योंकि कंस ने भी बच्चों की हत्या की थी और ये नरेंद्र मोदी भी इस देश में गरीब मजदूरों की और माता बहनों के अंदर जो कोख में बच्चे पल रहे हैं उसकी हत्या का जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ये कतई भी ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। और भी कुछ एक आध चीजें दिखा दूं आपको, शर्म लिहाज तो कहीं किसी गत्तर में होगा ही नहीं नरेंद्र मोदी, क्योंकि बेशरम का यदि भारत में कोई ताज होता, कोई अवार्ड होता, तो बेशर्मी का अवार्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं, यही भाषण में कहते हो ना कि मिलना चाहिए था कि नहीं, तो इस बेशर्मी का अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको, ये जरा सुन लीजिए, कोरोना वायरस के ऊपर कितनी शानदार स्पीच देते हैं, ऐसा कौन सा तीर मार दिया है। और भारत के सबसे बड़े पत्रकार रवीश कुमार की बयान सुन लीजिए, भारत में यदि किसी को अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड, तो वो रवीश कुमार को ही मिला है, किसी गोदी मीडिया को नहीं दिया है। सुन लीजिए एक बारी, मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया, जर्मनी अब महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे, आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने। एक और देश है जिसकी बात करनी चाहिए, वो है ताइवान। जैसे ही 31 दिसंबर को वुहान में संक्रमण फैलने की खबर आई, ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया। तब तक कोरोना का नाम कोविड-19 भी नहीं पड़ा था, अज्ञात विषाणु कहा जाता था। 10 फरवरी को जब ताइवान में 16 मामले ही सामने आए और चीन में 31,000, तभी ताइवान ने चीन से जुड़ी सभी उड़ानें रद्द कर दी। चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा जाने लगा। उस वक्त भारत में ट्रंप की रैली की तैयारी हो रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। मीडिया अहमदाबाद में जाकर ट्रंप के पोस्टर और स्टेडियम दिखा रहा था। भारत के टीवी चैनलों पर कोरोना अंतर्राष्ट्रीय खबर होने के बाद भी मामूली खबर थी। ताइवान के डिजिटल मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हर जरूरी डेटा को एक दूसरे से जोड़ दिया। बीमा कंपनियों से, विदेशों से आने वाले और विदेश यात्रा करने वालों का डेटा लिया गया और वीजा विभाग से जानकारी ली गई। 18 फरवरी से ही तमाम जानकारियां अस्पताल से लेकर क्लिनिक और दवा की दुकानों को उपलब्ध करा दी गई, ताकि जो भी मरीज जाए उसकी यात्राओं का इतिहास सबके पास पहले से मौजूद रहे। लोगों को फोन पर अलर्ट जाने लगा कि किस इलाके में जाना ठीक रहेगा और कहां पर मास्क मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार ने निर्यात बंद कर अपने स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया। जनवरी बीतते बीतते ताइवान के पास 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क हो गए।
2 करोड़ N95 मास्क और 1000 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम बना लिए गए। जल्दी ही ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक दिन में 1 करोड़ मास्क बना सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अब ये प्रमाण था कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया महामारी घोषित कर दिया था इस कोरोना वायरस को, तो नरेंद्र मोदी जी अपने यार ट्रंप के स्वागत में गुजरात में लगे हुए थे। तो अपने यार नरेंद्र मोदी की स्वागत में गुजरात में लगे हुए थे और इस देश की मीडिया 7 किलोमीटर लंबी दीवार भारत के गरीब मजदूरों की झुग्गी छुपाने में लगी हुई थी। ये हाल है नरेंद्र मोदी सरकार का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने, मतलब सिर्फ मोदी की मन की आप देश, तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात बताते हैं। तभी तो 6 साल में एक बार भी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है मोदी ने। सिर्फ 6 साल से आपको अपने मन की बात सुनाई है, क्योंकि मोदी को डर लगता है कि इस भारत के अंदर भी ईमानदार पत्रकार हैं जो मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका दायित्व क्या है और आप कर क्या रहे हैं। मुझसे कोई पत्रकार ना पूछ ले कि आप कर क्या रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, शर्मसार हो जाऊंगा। इसलिए नरेंद्र मोदी कभी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सच्चाई है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद।